Okay. It's not as great as a Sher Shah or a Razi because those were real movies, right? Real life stories. But Mission Majnu is actually not that bad. इसके टाइटल पे बिल्कुल मत जाइए। ब्लॉकबस्टर मूवी रिव्यू सुन रहे हैं आप संस्कृति के साथ और आज मैं लेकर आई हूँ मूवी रिव्यू ऑफ द मूवी मिशन मजनू विच इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाई बट शेरशाह एंड मिशन मजनू बोथ वर रिलीज्ड डायरेक्टली टू योर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स Amazon Prime एंड नेटफ्लिक्स, जबकि ये मूवीज ऐसी हैं जो बड़े स्क्रीन पे अच्छा करती, स्पेशली शेरशाह एंड इवन मिशन मजनू। इट्स एंटरटेनिंग, इट्स ग्रिपिंग, इट्स थ्रिलिंग एंड इट ऑल्सो हैज इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस। रश्मिका मंदाना, कुमुद मिश्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड अदर्स आर द कास्ट ऑफ दिस मूवी एंड इट हैज बीन डायरेक्टेड बाय शांतनु बागची। देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जब बात आती है तो भले ही वो मैच हो या कोई मूवी हो, वी ऑल लव इट। लाइक आई मेंशन, राजी, शेरशाह, बॉर्डर, ऑल आर मूवीज विच वर बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज, रियल इंसिडेंट्स एंड रियल कैरेक्टर्स। वी ऑल लव देम, दे मेड अस क्राई, द सॉन्ग्स वर अमेजिंग। बट मिशन मजनू इज एक्चुअली अ फिक्शनल स्टोरी, राइट? अब 1971 से 74 के बीच की ये कहानी है जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ था एंड एक रॉ एजेंट फ्रॉम इंडिया इज स्टेइंग इन पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेम्ड तारिक टू फिगर आउट कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ की इंटेलिजेंस आर्मी इंडिया के खिलाफ क्या प्लान कर रही है। दिस ब्रॉडली कैप्चर्स द नैरेटिव ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो अभी तक टेंस्ड है, बट हाउ टेंस दे वर एट दैट टाइम। द हेट्रेड एंड एनिमिटी वॉज गट रेंचिंग। अब इस मूवी में आ जाता है न्यूक्लियर टेस्ट एंड एटम बॉम्ब। जी हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी है, अब आ गए हैं नए पीएम। इंडिया में दो न्यूक्लियर टेस्ट हो जाएंगे बट पाकिस्तान में एक भी नहीं हुआ है। What will happen? Pakistan is trying to do a nuclear test, of course, without telling the entire world, because वो allowed नहीं है। अब इसमें आ जाएगा Mossad, Israel और India का angle, और ये mission मजनू जो कर रही है India on behalf of this raw agent Tariq aka Amandeep Singh, which is played by Siddharth Malhotra, कैसे intervene करेगा, कैसे figure out करेगा 1974 में जब कोई Google नहीं है, कौन लोग involved हैं, कैसे इस जगह को track करना है, इस पूरे mission को single-handedly he has to stop. His bosses are kind of jerks, honestly, back in India because they don't trust him. उसका अलग history है कि उसके बाप traitor थे, etc. But the point is that this guy is unflinchingly loyal to his nation, but also to his wife. उन्होंने एक local अंधी लड़की से शादी करी है जिसका नाम है नसरीन, played by रश्मिका मंदाना. She is beautiful and she is good, but her Hindi sucks. That's the only flaw that I saw in her. Apart from that, she really shines on the screen, and I can get why she is a crush of a million guys. कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब जब इनकी शादी हो चुकी है, जहाँ उनके बॉसेस, उनकी पत्नी, उनकी फैमिली जो है उनको नहीं पता है कि ये बंदा कौन है, he has to carry out this mission. This movie is about few Indians living away from India, assuming the identity of a Pakistani, living as a Muslim. Actually, इतना घुल मिल गए हैं वहाँ के लोगों से कि वहाँ का trust gain करना, but at the same time, to really ditch your own religion, your own identity, cannot pray the way they want to, is something that's heart-wrenching. Also, the movie is slightly political. It's trying to say कि India अमन चाहता है, but हाँ, Pakistan के भी आम लोग शायद अमन चाहते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं बैठा है, और भी बहुत सारी बातें. As in, you know, wokeism type की चीजें, but मुझे overall अच्छी लगी. Movie थोड़ी political है, as in, उसमें ये सब ज्ञान दिया गया है कि, you know, border के इस पार के लोग हो या उस पार के, normal लोगों को जंग नहीं चाहिए. They don't want to be a part of all this. And Indians तो अच्छे हैं ही, but Pakistan ऐसे कोई horrendous बुरे या villains by birth नहीं है. Apart from the political part of it, as in the Pakistani army or the ISI or the, you know, agents in Pakistan, who are probably the villains, not the people. One great thing about the movie that I like, apart from, of course, that it's packed tightly, आपको ब्रीथ करने का स्पेस नहीं मिलेगा. It's not a boring movie. दो घंटे के अंदर पूरी मूवी खत्म है. गाने नहीं है ज्यादा. Is that the sound score and the background score is amazing. बहुत सारा, I think, music का भार होता है किसी भी मूवी में जो हम नजरअंदाज कर जाते हैं, because the movie has to keep up to the pace of creating the surround sound. Also the sets. 70s create करना बहुत मुश्किल है with the kind of tech, roads and, you know, cars we have. But they actually succeeded. Whether it's Delhi or Rawalpindi or Lahore, Karachi of 70s, it looks like we're in the 70s. And it doesn't look like a set, it looks like real roads. They look like real Pakistani people. All in all, I genuinely think the movie is great. आपको शायद क्लाइमैक्स खत्म होने के पहले पता चल जाएगा क्या होने वाला है. It's expected and all of that. But you still will hold rooting for the characters. In fact, one of the Pakistani characters as well. Go watch it on Netflix because देखो ज़्यादा पैसे खर्च करके जाना नहीं है. You can watch it at the comfort of your homes. 26th Jan is around the corner. Patriotism थोड़ा आ ही रहा है हम सबके अंदर से. So I will rate this movie 3 out of 5 shots on your shot. Probably a 0.5 stars extra for Siddharth's acting because I genuinely feel that he's grown as an actor from Sher Shah, now Mission Majnu. You never know.
एंड अब वो रोहित शेट्टी के साथ एक सीरीज कर रहे हैं ऑन पुलिस. आई थिंक दिस होल फाइटिंग जॉनरा इज रियली सूटिंग हिम. तो सुनते रहिए ब्लॉकबस्टर. आई विल बी बैक विद द रिव्यू ऑफ मच कंट्रोवर्शियल अवेटेड और नॉट अवेटेड पठान नेक्स्ट वीक. सो बी हियर, स्टे ट्यून्ड टू अदर शोज ऑफ योर शॉर्ट एंड टेक केयर.